चलिए, जो एक थम पढ़ेंगे वो है अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। अब तक अगर राष्ट्रीय स्तर के अधिनियम को अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा गया है किसी अधिनियम से तो इसी एक्ट से ज़्यादातर पूछा गया है। ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। ठीक है, अब हम जो भी एक्ट पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहले तो जिसके लिए वो अधिनियम है उसके बारे में जानना जरूरी है। इसका मतलब है कि हम पहले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को समझते हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति से आप की जो अवधारणा है या अनुसूचित जाति को आपको आपके मन में जो अनुसूचित जाति को लेकर जो एक माइंड सेट है उसको पहले हम समझते हैं कि किसे हम अनुसूचित जाति कहेंगे और अनुसूचित जनजाति किसे कहेंगे, तब हम इनके संरक्षण को इनके बारे में जो प्रावधान है उसको हम समझेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। अब अनुसूचित जाति सियासे जो है इसमें कहा गया कि एक ऐसा वर्ग जो कठोर वर्ण व्यवस्था के कारण से सामाजिक अधिकारों से वंचित हो गए और सामाजिक व्यवस्था में वो पिछड़ते चले गए। समझिएगा आप इन सब चीजों को जितना ठीक ढंग से आप एग्ज्यूम करेंगे उतना बेहतर समझ आएगा इसको। मैंने कहा अनुसूचित जाति का मतलब यह है कि एक ऐसा वर्ग एक ऐसा समुदाय जो समाज की कठोर वर्ण व्यवस्था के कारण से सामाजिक अधिकार से वंचित हुए और धीरे धीरे आपका ये समाज में पीछे होते चले गए, सामाजिक व्यवस्था में पीछे होते चले गए। अब ये जो वर्ग है अभी तक हम इसके शब्दों के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि एक ऐसा वर्ग जो कठोर वर्ण व्यवस्था के कारण से सामाजिक अधिकार से वंचित किया गया, जैसा कि हम जानते हैं कि वैदिक काल के अंतर्गत व्यवस्था हमें देखने को मिलता है कि उन्हें सभा समितियों में जाने से प्रतिबंध, यज्ञ में जाने से प्रतिबंध, जनेऊ संस्कार से वंचित किया गया। ठीक है, जो अधिकार उनको मिलना चाहिए वो अधिकारों से वंचित किया गया जिसके कारण से वो पिछड़ते चले गए। अब इनकी जो एक पहचान बनी राष्ट्रीय स्तर पे, वो मध्यकाल में भक्ति आंदोलन, मतलब भक्ति आंदोलन में भी हम कहीं ना कहीं इनके उत्थान के लिए ठीक इनकी उन्नति के लिए प्रयास किया गया भक्ति आंदोलन में, और ब्रिटिश काल में कई सारे जातिगत आंदोलन या जो सामाजिक सुधार आंदोलन चलाया गया, तो सामाजिक कई सामाजिक सुधार आंदोलन में भी आप पढ़ते हैं कि इनके कल्याण ठीक है के लिए कहीं ना कहीं मोमेंट आंदोलन हुआ। तो इनकी जो एक पहचान बनी वह कहा जाता है कि मध्यकाल में भक्ति आंदोलन और ब्रिटिश काल में सामाजिक सुधार आंदोलन जातिगत आंदोलन से इनको पहचान मिली। अब
अनुसूचित जाति शब्द का सबसे पहला प्रयोग आपका 1927 के साइमन कमीशन में मिलता है। सबसे पहली बार वो जो शब्द आया ना हमारे देश में अनुसूचित जाति, ये शब्द सबसे पहले इसका प्रयोग कब? साइमन कमीशन 1927 में। फिर इसका उल्लेख भारत शासन अधिनियम 1935 में भी किया गया। ठीक है, मतलब 1935 में एक चीज याद आ रहा होगा आपको कि 1935 में 1909 से कहीं ना कहीं पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया था। 1909 में मुसलमानों को दिया गया, ठीक 1919 में मुसलमानों के साथ साथ सिख, ईसाई, यूरोपियन, एंग्लो इंडियन इनको दिया गया। 35 में दलित, मजदूर और महिलाओं को भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, है ना। तो कहीं ना कहीं 1935 के भारत शासन अधिनियम में भी इनका प्रावधान। और जब संविधान की बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 का उपखंड 24 में आपका अनुसूचित जाति को बताया गया है, और 341 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि राज्य के राज्यपाल की सहायता से किसी भी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल कर सकता, मतलब उनकी पहचान दे सकता है। ठीक, ये अनुसूचित जातियों का एक घटनाक्रम है। ठीक है, तीन चार बातों से आपको इसमें ध्यान रखना है। मैंने इसमें सबसे पहले कहा कि वे वर्ग जो, मैं इसको नोट करा दूंगा, पहले की पॉइंट को समझ लीजिए, कठोर वर्ण व्यवस्था है ना, ऐसा वर्ग जो समाज के कठोर वर्ण व्यवस्था के कारण से आपके सामाजिक अधिकारों से वंचित हुए, सामाजिक अधिकारों से वंचित हुए, और सामाजिक अधिकारों से वंचित होने के कारण से, ठीक, सामाजिक व्यवस्था में पिछड़ते चले गए। ठीक है, इनकी जो पहचान है वो मध्यकालीन इतिहास में या मध्यकाल में भक्ति आंदोलन तथा ब्रिटिश काल में सामाजिक सुधार आंदोलन से इनकी पहचान मिली। ठीक है, इनका जो शब्द है अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1927 के साइमन कमीशन और साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। संविधान की बात करें हम तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 366 का उपखंड 24 में इसका प्रयोग, और साथ ही साथ आर्टिकल 341 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया कि राज्य में राज्यपाल की सहायता से किसी भी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करना या इनकी पहचान देने का काम। तो ये अनुसूचित जाति हम इन्हें कहते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से अनुसूचित जनजाति को पहले समझ लीजिए, फिर एक साथ दोनों परिभाषा को नोट करा दूंगा। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में यह है कि एक ऐसा वर्ग जो सुदूर अंचलों में, वनों में अपनी पृथकवादी जीवन जीते हुए समाज के मुख्य धारा से पिछड़ गए। मतलब इनके बारे में अगर मैं यूं कहूं कि मान लीजिए ये कोई निश्चित क्षेत्र है, अब ये निश्चित क्षेत्र का ये वाला पूरा एरिया जो है, मान लीजिए
पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। अब मुख्य रूप से जो जिसकी हम जनजाति की परिकल्पना करते हैं, जिनको हम जनजाति कहते हैं, प्रारंभ से ही ये सुदूर अंचलों में निवास करते हैं, वनों में निवास स्थल था इनका, ठीक। और ये वन में जंगल में ये निवास कर रहे हैं, सारा डेवलपमेंट का कार्य यहां पर हो रहा है, ठीक। मान लीजिए स्कूल कॉलेज यहां पर है, ठीक है, स्कूल यहां पर है, आप यहां पर सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में अपनी पृथकवादी जो संस्कृति है आपका, उस आधार पर आप जीवन यापन कर रहे हैं। अब स्कूल कॉलेज की व्यवस्था यहां पर है, तो कोई व्यक्ति यहां से यहां जाकर शिक्षा ग्रहण करना, या जो योजनाएं चल रही हैं वो योजना यहीं तक आग तक सीमित हो जा रहा है, यहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है ना, क्योंकि पहुंचने के लिए वो संसाधन नहीं था कि यहां तक उस चीज को पहुंचाया जाए। अब ये चूंकि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में, सुदूर अंचलों में, वनों में निवास करने के कारण से अब चूंकि विकास यहां तक पहुंच नहीं पाया, ठीक है, तो इस कारण से लगातार ये क्या होते चले गए, पिछड़ते चले गए, ठीक है। और मूल रूप से यही वर्ग जनजाति है, अर्थात ऐसा वर्ग जो सुदूर अंचलों में निवास करने के कारण, वनों में निवास करने के कारण से समाज की मुख्य धारा से पिछड़ते चले गए, क्योंकि उनका जीवन यापन जो था अन्य से पृथक था। आज भी जैसे कई विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, जैसे हम अबूझमाड़ी जनजाति के बारे में हम सोचते हैं, तो अबूझमाड़ी जनजातियों का निवास क्षेत्र आप देख लीजिए, है ना, ऐसे क्षेत्र में निवास का, और वो अपने संस्कृति को लेकर कंफर्टेबल है, है ना, वो अपना डेवलपमेंट चाहते नहीं, क्योंकि वो अपने आप को हमारे जैसा नहीं मानते हैं, ठीक है, तो उनका संस्कृति अलग है, अपना पृथक जीवन जी रहे हैं, जिसके कारण से विकास कार्य नहीं हो पा रहा है और वो लगातार पिछड़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये अनुसूचित जनजातियों के संदर्भ में यही है कि एक ऐसा वर्ग, ठीक है, जो वनों में, सुदूर अंचलों में निवास करने के कारण से, ठीक, समाज के मुख्य धारा से पिछड़ते चले गए। इनकी पहचान या इनकी अभिव्यक्ति की बात किया जाए तो ब्रिटिश काल में कई सारे जातिगत आंदोलन चलाए गए, और उन जातिगत आंदोलन के कारण से इनकी पहचान मिली, और संविधान के अनुच्छेद 366 का उपखंड 25, ठीक है, में इनका उल्लेख, और 342 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि किसी भी राज्यपाल की सहायता से किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में उनकी पहचान कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका अनुसूचित जनजाति है, ठीक, नोट करिए। लिखिएगा, अनुसूचित जाति से तात्पर्य, अनुसूचित जाति से तात्पर्य उन समुदाय से है अनुसूचित जाति से तात्पर्य उन समुदाय से है जो कठोर वर्ण व्यवस्था के कारण सामाजिक अधिकारों से वंचित रह गए वह सामाजिक व्यवस्था में पिछड़ गए। मध्यकाल में भक्ति आंदोलन एवं ब्रिटिश काल में सामाजिक सुधार आंदोलन से इन्हें पृथक पहचान मिली तथा साइमन कमीशन द्वारा
साइमन कमीशन के द्वारा, साइमन कमीशन के द्वारा अनुसूचित जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, सर्वप्रथम प्रयोग किया गया वह भारत शासन अधिनियम 1935 में इसका उल्लेख है, भारत शासन अधिनियम 1935 में इसका उल्लेख, भारत शासन अधिनियम 1935 में इसका उल्लेख एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के उपखंड 24 में, 366 का उपखंड 24 में इसका प्रावधान किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 ब्रैकेट में 24 लिख लेना, उपखंड लिखने की जरूरत नहीं है। उपखंड 24 में इसका प्रावधान है तथा अनुच्छेद 341 के अंतर्गत, तथा अनुच्छेद 341 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल की सहायता से, राज्य के राज्यपाल की सलाह पर इसकी पहचान कर सकता है। ठीक, पहचान कर सकता है, पहचान कर सकते हैं, राज्यपाल की सहायता से इसकी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका अनुसूचित जाति, जनजाति में लिखिएगा। अनुसूचित जनजाति से तात्पर्य उन समुदाय से है, जनजाति से तात्पर्य उन समुदाय से है जो आदिवासी या वनवासी के रूप में, जो आदिवासी या वनवासी के रूप में, जो आदिवासी या वनवासी के रूप में पृथकवादी जीवन जीते हुए विकास के मुख्य धारा से पिछड़ गए, विकास के मुख्य धारा से पिछड़ गए ब्रिटिश काल में जनजातीय विद्रोह से, ब्रिटिश काल में जनजातीय विद्रोह से इनकी अपनी पहचान या अभिव्यक्ति मिली, ब्रिटिश काल में जनजातीय विद्रोह से इनको अपनी पहचान व अभिव्यक्ति मिली, इनको अपनी पहचान व अभिव्यक्ति मिली। संविधान के अनुच्छेद 366 उपखंड 25 में इसका उल्लेख किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 366 ब्रैकेट 25 में इसका उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 342 के तहत, और अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह पर इसकी विशेष पहचान कर सकता है। राष्ट्रपति इसकी विशेष पहचान कर सकते हैं या कर सकता है। ठीक है, ये आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अगला है अधिनियम की, आवश्यकता
एवं पृष्ठभूमि, ठीक है। इस अधिनियम को लाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, ठीक, इसको समझते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में वंचित वर्गों के कल्याण के लिए अनेक प्रावधान हमें देखने को मिलता है ना, चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, अन्य पिछड़ा वर्ग है, महिला है, इन सभी के कल्याण की बात हम संविधान में देखते हैं। अब चूंकि हम अनुसूचित जाति जनजाति को संरक्षण को लेकर हम अधिनियम पढ़ने जा रहे हैं, तो इसकी पृष्ठभूमि यहीं से बनती है कि संविधान में अनुसूचित जाति और जनजातियों, या आप कह लीजिए कि वंचित वर्गों के कल्याण के लिए अनेक प्रावधान किए गए, और आगे चलकर विधि बनाकर इनको मजबूत भी बनाया गया, जैसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, कहीं न कहीं भारत में जो वंचित वर्गों के साथ जो छुआछूत की समस्या थी उस पर रोक लगाने का प्रयास किया गया। लेकिन जो सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट है, यह मूलतः अनुसूचित जातियों पर बेस्ड था और यह अस्पृश्यता से जुड़े हुए अपराध को रोकने में सहायक था, और इस एक्ट में अत्याचार को बहुत सही तरीके से परिभाषित नहीं किया गया, मतलब उसकी एक व्यापक परिभाषा नहीं थी अत्याचार का। इसमें मूल रूप से अधिनियम जो आपका प्रावधान किस पर है, अस्पृश्यता पर, छुआछूत जैसी अपराध पर रोक लगाने की बात करता है, अन्य अपराध को रोकने में कहीं न कहीं यह असफल था। कौन सा? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। जब इस एक्ट को संसद में रखा जाना था तो एक लंबी बहस चली, एक डिस्कशन हुआ, किस, क्योंकि कोई भी एक्ट लाने से पहले उसका ऑब्जेक्ट बताना जरूरी होता है कि इस एक्ट को हम क्यों लाया जा रहा है। तो यह कहा गया कि संविधान में वंचित वर्गों की कल्याण की, उनके अधिकारों की बात तो की गई है, लेकिन जब वो वंचित वर्ग अपने अधिकारों की मांग करता है तो कहीं ना कहीं उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा उसे दबाने की घटनाएं हमें अभी तक देखने को मिलता है। शिक्षा के माध्यम से अवेयर हुए हैं वो अपने अधिकारों के प्रति, बट जब वही, मान लीजिए कोई गरीब वंचित वर्ग है, उसे न्यूनतम वेतन प्राप्त करने का अधिकार है, अगर कोई मजदूरी किया और अपने हक की मजदूरी जितनी मिलनी चाहिए मांग कर रहा है, तो उसके साथ अत्याचार, या वो मजदूरी नहीं दिया जाना जितना उसे दिया जाना चाहिए, ठीक है, बालात्श्रम मतलब उसके इच्छा के विरुद्ध काम करवाना, तो इस तरीके की जो अधिकारों के लिए वो जो मांग करने की जब भी वो बात करते, कहीं ना कहीं उनको अधिकारों को दबाया जाता था, उनके साथ अत्याचार किया जाता। तो ये आवश्यकता महसूस हुआ कि इनके संरक्षण के लिए, इनके जो अधिकार दिए गए हैं संविधान में, ठीक है, उनको संरक्षित करने के लिए अधिनियम की आवश्यकता महसूस हुई, और इसी तरीके से 1989 में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम लाया गया, ताकि अनुसूचित जाति और जनजातियों पर हो रहे जो अत्याचार है, ठीक है, उनसे उनको संरक्षण प्रदान किया जा सके। तो ये इसकी बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि है, कि संविधान में इनके अधिकारों, इनके संरक्षण का प्रावधान तो था, लेकिन जब भी ये अपने अधिकारों का प्रयोग करने जाते तो कहीं ना कहीं उच्च वर्गों के द्वारा उन्हें प्रताड़ित किए जाने की घटनाएं समाज के अंतर्गत मिलता रहा, ठीक है। तो यह हुआ कि उनके अपने अधिकार का प्रयोग वो सही ढंग से कर ही नहीं सकते हैं, है ना, तो क्यों ना कोई ऐसा कानून बना दिया जाए कि यदि कोई ऐसा अपराध अनुसूचित जातियों जनजातियों के साथ अगर कोई करता है तो उससे उनको दंडित किया जाए, तो अगर ऐसा कोई दंड का प्रावधान हो जाए तो कोई भी ऐसा काम करने से डरेगा, ठीक। तो ये इसकी महत्वपूर्ण आवश्यकता या पृष्ठभूमि थी, ठीक, नोट करिए।
भारतीय संविधान में वंचित वर्गों के कल्याण के लिए, भारतीय संविधान में वंचित वर्गों के कल्याण के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए, विभिन्न प्रावधान किए गए जिसे कालांतर में कानूनों के माध्यम से मजबूत बनाया गया, जिसे कालांतर में कानूनों के माध्यम से मजबूत बनाया गया। जैसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, जैसे सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 लाया गया, लेकिन यह अधिनियम अनुसूचित जातियों के लिए था, लेकिन यह अधिनियम अनुसूचित जातियों के लिए था, वह मुख्यतः छुआछूत पर केंद्रित था, वह मुख्यतः छुआछूत पर केंद्रित था। इसमें उत्पीड़न रोकने के लिए व्यापक प्रावधान नहीं किए गए, इसमें उत्पीड़न रोकने के लिए व्यापक प्रावधान नहीं किए गए। तथा अत्याचार शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया, तथा अत्याचार शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया, तथा अत्याचार शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया। वह अत्याचार या शोषण, वह अत्याचार या शोषण के बाद राहत के लिए कोई प्रावधान नहीं था, वह अत्याचार या शोषण के बाद राहत के लिए कोई प्रावधान नहीं था। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह महसूस किया गया कि एक नए कानून के द्वारा अनुसूचित जाति जनजातियों को संरक्षण दिया जाना चाहिए, SC ST को संरक्षण दिया जाना चाहिए। और इस तरह इस एक्ट का गठन किया गया, इस एक्ट का जन्म हुआ और इस एक्ट का ठीक जन्म हुआ या इस एक्ट का गठन किया गया। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से इस अधिनियम की आवश्यकता या पृष्ठभूमि है। ठीक है, अब अगला, इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। पहले अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है,
कि मुख्य रूप से इस अधिनियम के अंतर्गत क्या प्रावधान है, इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो इसकी विशेषता है वो ये है कि अनुसूचित जाति जनजातियों के साथ होने वाले अत्याचार को संरक्षण करना, मतलब संरक्षण किए जाने का प्रावधान, पहली विशेषता, क्योंकि यह एक्ट ही मूल रूप से उनके संरक्षण की बात करता है। तो उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए क्या करना, संरक्षण प्रदान करना। ठीक, तो संरक्षण प्रदान किए जाने का प्रावधान है इसमें, सबसे पहली विशेषता। दूसरा विशेषता यह है कि अगर अनुसूचित जाति जनजातियों के साथ कोई भी अपराध किया जाता है, अत्याचार किया जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को दंडित किया जाना, ठीक, दंडित करना, यह इनकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें दंड का प्रावधान है। तो इसमें आप दंडित किया जाना के बजाय इसमें विशेषताओं में लिखना कि जो भी आपका अपराध है उसके लिए क्या है, इसमें दंड का प्रावधान है। ठीक, और आपको पता है कि यह एक्ट जो है दंड के अंतर्गत ये गैर जमानती है। ठीक है, गैर जमानती है, नॉन वेलेबल आपका है इसके अंतर्गत, कि अगर कोई अनुसूचित जाति जनजाति के एक्ट के अंतर्गत अगर किसी भी तरीके से उसकी परिभाषा में अत्याचार करता है तो इसके तहत आपको बेल नहीं है, है ना। तो गैर जमानती होने के कारण से इस अधिनियम को और ये मजबूत बनाता है, कोई भी व्यक्ति ऐसा काम करने से डरेगा। ठीक है, तो संरक्षण, दंड का प्रावधान, गैर जमानती। इसके पश्चात इस अधिनियम की विशेषता है कि जिसके साथ, मतलब अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्तियों के साथ अगर कोई भी अत्याचार किया जा रहा है तो न्यायालयीन प्रक्रिया कंप्लीट होने तक के लिए, राहत के लिए, राहत के लिए आपका 75,000 रुपए से लेकर 8.5 लाख रुपए तक सहायता राशि का प्रावधान है इसमें। ठीक है, मतलब इसमें यह भी है कि मान लीजिए वंचित वर्ग है, अब उनको कानूनी संरक्षण प्राप्त करना है, प्रक्रिया पूरे होने में एक समय तो लगना ही है, तो उनको उस पूरे केस को एक तरीके से लड़ने के लिए, उस दौरान अपने आप को संरक्षण के लिए सहायता के रूप में 75,000 रुपए से लेकर 8.5 लाख रुपए तक की आपकी राशि दिए जाने का प्रावधान है। अब इससे क्या है कि कोई भी व्यक्ति अवेयर होगा, जागरूक होगा, क्योंकि आपको केस लड़ने के लिए भी खुद का पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान, ठीक है, निशुल्क विधिक सहायता, सहायता का प्रावधान, ये इसकी विशेषता है। इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजातियों के साथ अत्याचार से संबंधित जो मामले हैं उसके त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय का प्रावधान, ठीक, इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, विशेष न्यायालय का प्रावधान है ताकि ऐसे मामले पर त्वरित सुनवाई किया जा सके। ठीक है, विशेष न्यायालय। इसके अलावा इस अधिनियम के अंतर्गत आपका कुल जो अध्याय है, अध्याय, ठीक है, 5 और धारा की संख्या है आपका 23, मतलब यह अधिनियम कुल 5 अध्याय और 23 धाराओं में विभाजित है। ठीक है, जो ठीक 30 जनवरी 1990 को जम्मू काश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू था, वर्तमान में ये संपूर्ण भारत में लागू है। ठीक है, तो ये इसकी महत्वपूर्ण क्या है, आपका विशेषता है। ठीक है, क्या क्या है, सबसे पहला कि अनुसूचित जाति जनजातियों के साथ हो रहे अत्याचार के को संरक्षण किए जाने का प्रावधान। दूसरा, ठीक, अनुसूचित जाति और जनजातियों के साथ किए जाने वाले अपराध के लिए दंड का प्रावधान। ठीक, इसके तहत जो अपराध है वह गैर जमानतीय है,
ठीक है, सहायता राशि के रूप में 75,000 रुपये, 8.5 लाख रुपये तक के दिए जाने का प्रावधान, निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान, विशेष न्यायालय मतलब ऐसे मामले की त्वरित सुनवाई करने के लिए विशेष न्यायालय, और यह अधिनियम कुल 5 अध्याय और 23 धाराओं में क्या है आपका विभाजित है। ठीक है, जैसे मान लो आपको कम शब्दों में इस अधिनियम के प्रावधान लिखने के लिए आ जाए, है ना, कि ये जो आपका एट्रोसिटी एक्ट है 1989 का, इसके विभिन्न प्रावधानों को लिखिए, तो ये सारे प्रावधान ही है ना, जो हम आगे पढ़ेंगे ये प्रावधान ही है विशेषताओं के अंतर्गत। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा। राज्य सरकार देती है वैसे, राज्य सरकार देगी। आगे मैं कहां से कैसे दिया जाएगा प्रक्रिया आगे पढ़ेंगे, मैं एक सामान्य विशेषता के तौर पर अभी बताया हूं इसको। ठीक है, चलिए अगला है अधिनियम के उद्देश्य। विशेषता लिखाने की जरूरत तो नहीं है ना, लिख लेंगे ना। ठीक, उद्देश्य, अब इस अधिनियम को लाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य में 3 बातें आपको याद रखना है। पहला, निवारण, ठीक, दूसरा, न्यायालय, और तीसरा, पुनर्वास या राहत। मुख्य रूप से इस अधिनियम को लाए जाने का जो उद्देश्य है वो 3 प्रमुख उद्देश्य है। पहला है निवारण, दूसरा न्यायालय, और तीसरा पुनर्वास या राहत। ठीक, निवारण, निवारण कहने का मतलब यह है कि अनुसूचित जाति और जनजातियों के साथ जो भी अत्याचार या सामाजिक आर्थिक अधिकारों का जो भी उल्लंघन किया जा रहा है उसका निवारण करना, इसका पहला उद्देश्य है। ठीक है, किसी भी तरीके से जो उनके साथ अत्याचार हो रहा है, जो भी अपराध हो रहा है, उसका निवारण करना इस कानून का, इस अधिनियम का उद्देश्य है। ऐसे जो भी अनुसूचित जाति और जनजातियों के अत्याचार से जुड़ा हुआ जो भी आपका मामला है, अपराध है, उसके त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय का प्रावधान करना इसका दूसरा उद्देश्य है। ठीक, और तीसरा है कि जो पीड़ित लोग हैं, ठीक है, पीड़ित वर्ग है, उनके संरक्षण के लिए पुनर्वास या राहत, या आप कह दीजिए अनुतोष, ठीक है, देना या राहत प्रदान करना इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य, तीसरा उद्देश्य है। तो 3 फैक्ट आपको याद रखना है, निवारण, न्यायालय और पुनर्वास। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका एक इनके बारे में परिचय जो है इस अधिनियम के अंतर्गत, इसकी परिभाषा, इनका पृष्ठभूमि, ठीक है, विशेषता और उद्देश्य। थर्ड, पुनर्वास या राहत कहने का मतलब है कि इस अधिनियम के अंतर्गत जो पीड़ित वर्ग हैं, ठीक है, उनके लिए राहत या अनुतोष, कहने का मतलब रिलीफ के लिए जो भी हो सकता है। जैसे हमने राहत के रूप में अभी हमने देखा कि भाई 75,000 से 8.5 लाख रुपए तक की राशि दिए जाने का प्रावधान है। अगर मान लीजिए उनको अन्य किसी स्थान पर उनको लगातार अत्याचार किया जा रहा है तो राहत के निवास स्थल उपलब्ध कराया जा सकता है। जीवन यापन करने के लिए जो आवश्यक अगर खर्चे की जरूरत है, खर्चे दी जा सकती है। तो ये राहत में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो ये राहत उपलब्ध कराना इनका उद्देश्य है। भाई कोई भी अगर किसी के साथ अत्याचार किया जा रहा है तो उसको तो रिलीफ चाहिए ना फाइनली, है ना, ताकि अत्याचार एक तो रोक लग जाए और जो जिस अत्याचार के कारण से जो उनको नुकसान हुआ है ना, जीवन यापन करने में जो दिक्कतें आ रही हैं उसके लिए तो राहत प्रदान किया जाएगा। तो ये सारी चीजें इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, अब इसके बाद
इस अधिनियम में मैंने कहा टोटल 5 अध्याय और 23 धाराओं में ये विभाजित है। ठीक है,